हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एडवाइस। तो गाइज, आज हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं गांधी जी के पोर्ट्रेट इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, वो भी ऑयल पेस्टल से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुस्टेच और हेयर के जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाने के लिए मैं यहाँ पर खाली पेन, यानी कि आप लोगों के पास अगर इंक जो रिफिल में इंक नहीं होता है उससे, या फिर आप लोगों के पास कोई टूल हो जिससे आप वो डिटेलिंग दिखा सकते हो उससे आप ड्रॉ कर लो पहले। यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, पर इंडेंटिक टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पर खाली पेन से मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेयर एंड मुस्टेज के जो स्ट्रोक्स है उसको ड्रॉ कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पर गाइस डॉम्स के कलर पेन ऑयल पेस्टल का यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस चलिए देखते हैं किस तरह से मैं ये पोर्ट्रेट ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर गाइस जो ब्राउन कलर है, या मीन जहाँ पर डार्क एरिया से, उसके लिए मैं ब्राउन से पहले आउटलाइन कर रही है। फिर जहाँ जहाँ पे है वहाँ पर मैं, जहाँ पर लाइटली देना है वहाँ पर लाइटली, एंड जहाँ पर डीपली देना है वहाँ पर थोड़ा सा स्पेसर के यूज़ करके ऑयल पेस्टल को यूज़ कर रही हूँ। देन गाइस ये जो है इसको स्मूथनेस दिखाने के लिए, स्मार्च करने के लिए मैं यहाँ पर ईयरबड का यूज़ कर रही हूँ। उससे थोड़ा सा प्रेशर लगा के आपको स्मार्च करना है ताकि डिटेलिंग ज़्यादा अच्छे से हो। सबसे अच्छा ऑयल पेस्टल वर्क राफ पेपर में होता है, बट फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो मैं आइवरी पेपर के ऊपर ही कर रही हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को डिटेलिंग ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे होंगे, बट आप लोग इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस जहाँ जहाँ पर रेफरेंस के अनुसार आप लोगों को करना है, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा डीप योलो का यूज़ करना है ऊपर, मैं डीप योलो यूज़ कर रही हूँ। एंड फिर से वही टेक्निक यूज़ कर रही हूँ स्मार्च करने के लिए। देन गाइस ये मैं स्किन कलर का यूज़ कर रही हूँ। आपको जहाँ भी जहाँ पर जो 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 कलर है आपको वहाँ पे वही कलर देना है, एंड आपको ईयरबड के मदद से उसको स्मूथली स्मार्च करना है। इस पोर्ट्रेट का आउटलाइन गाइस मैं ग्रिड मेथड का यूज़ करके ही की हूँ। आप लोग चाहे लूमिस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो या फिर फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप लोगों को ग्रिड मेथड के बारे में कुछ पता नहीं है तो आई बटन पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर डिटेलिंग में आप लोगों को एक वीडियो मेरे पास है जिससे आपको ग्रिड मेथड के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को ग्रिड मेथड के बारे में पता है तो ये गाइस मैं A4 साइज पेपर में कर रही हूँ, एंड 2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली लाइन में ड्रॉ की हूँ। ऊपर वाले हॉरिजेंटली में 10 एंड वर्टिकली में 14 लाइन ड्रॉ की हूँ। देन ये मैं कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे गाइज हाईलाइट्स एरिया है वहाँ पर मैं कोई भी कलर नहीं करके छोड़ रही हूँ, एंड देन लास्ट में मैं वाइट देकर उस जगह को फिर से थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे लग रही है और भी थोड़ा डार्कनेस चाहिए वहाँ पर मैं डार्क कर रही हूँ, फिर से ब्राउन या फिर जो जो कलर मुझे चाहिए उससे। आप लोग भी इसी तरह से ही ड्रॉ करना। मुस्टेच एंड हेयर के लिए मैं एस कलर का यूज़ कर रही हूँ, जिस तरह से रेफरेंस के हेयर एंड मुस्टेच के डायरेक्शन वाइज ही आप लोगों को करना है ये। लिप में भी जहाँ पे हाईलाइट छोड़ना है वह मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, एंड देन बाद में थोड़ा सा वाइट देके उसको फिल कर रही हूँ। क्लॉथ के लिए गाइज मैं यहाँ पर एस कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। अब गाइज डिटेलिंग दिखाने के लिए, एंड जहाँ पर डार्क एरिया से उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए, थोड़ा सा क्लियरली प्रॉपरली अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर गाइज आपको ध्यान से यूज़ करना है वो जो भी है, यहाँ पर इससे ही आपका जो पोर्ट्रेट है वो निखर कर आने वाले हैं, तो इस जगह को आपको ध्यान से करना है।
जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग इस तरह से करें। देख सकते हैं गाइस डार्क एरियाज को मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ पर चारकोल पेंसिल की मदद से। ये पर गाइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लग रही थी अब इसलिए मैं यहाँ पर व्हाइट देकर थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ। गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक करना, कमेंट करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।